नमस्कार। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ ज्योतिष का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर, जिसका नाम है जन्म कुंडली। अभी तक हमारी बातचीत राशियों का परिचय एवं राशियों के चिन्ह को लेकर हुई थी। आज हम जानेंगे कि जन्म कुंडली क्या होती है। तो चलिए जन्म कुंडली सीखने की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जानना यह जरूरी है कि जन्म कुंडली क्या है। तो जन्म कुंडली आकाश का नक्शा है। जिस समय किसी बालक का जन्म होता है, उस समय आकाश पर जो जो ग्रह जहां जहां जिस स्थिति में होते हैं, उन्हें हम यहां बैठे बैठे एक कागज पर लिखकर नक्शा तैयार कर लेते हैं, उसे ही जन्म कुंडली कहते हैं। जन्म कुंडली में 12 खाने होते हैं, जैसा कि यहां प्रदर्शित किया गया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जहां प्रथम लिखा है, जहां प्रथम भाव लिखा है, इसको आप प्रथम भाव कहें या प्रथम खाना कहें, एक ही बात है। जहां प्रथम भाव लिखा है उसे लग्न कहते हैं। जहां पर भी प्रथम भाव लिखा है उसे लग्न कहते हैं। जन्म कुंडली शुरू होगी और इस जगह को आप हमेशा लग्न कहेंगे। जन्म कुंडली अर्थात आकाश का नक्शा बनाना है तो उसे इसी प्रथम भाव लग्न से ही शुरू किया जाता है। हम किसी भी जन्म कुंडली को बनाते हैं तो सबसे पहले उसे लग्न से ही शुरू करते हैं। लग्न पूर्वीय क्षितिज है, जहां से सूर्योदय होता है, और सप्तम भाव जो है वो पश्चिम क्षितिज है, जहां पर सूर्य अस्त होता है। इस जन्म कुंडली में जहां पर प्रथम भाव लिखा है वह कुंडली का प्रथम भाव है, और प्रथम भाव को ही हमेशा अपन लोग लग्न कहते हैं। जहां द्वितीय भाव लिखा है यह जन्म कुंडली का द्वितीय भाव होता है। जहां तृतीय भाव लिखा है यह जन्म कुंडली का तीसरा भाव होता है। जहां चतुर्थ भाव लिखा है वह जन्म कुंडली का चौथा भाव होता है। जहां पंचम भाव लिखा है यह जन्म कुंडली का पांचवा भाव होता है। जहां षष्ठ भाव लिखा है यह जन्म कुंडली का छठवा भाव होता है। जहां सप्तम भाव लिखा है यह जन्म कुंडली का सातवा भाव होता है। जहां अष्टम भाव लिखा है यह जन्म कुंडली का आठवां भाव होता है। जहां नवम भाव लिखा है यह जन्म कुंडली का नवा भाव होता है। जहां दशम भाव लिखा है यह जन्म कुंडली का दसवां भाव होता है। जहां ग्यारहवां भाव लिखा है यह जन्म कुंडली का ग्यारहवां भाव होता है। और जहां बारहवां भाव लिखा है जन्म कुंडली का बारहवां भाव होता है। हर एक कुंडली में, प्रत्येक कुंडली में इसी प्रकार क्रमानुसार 12 भाव होते हैं। इसी ही क्रम में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, ग्यारहवां और बारहवां। भावों की कुल संख्या 12 होती है, जैसा कि हमने अभी जाना, और जैसा कि हम पहले से भी जान चुके हैं कि राशियां भी 12 ही हैं। एक नंबर की राशि है मेष राशि, दो नंबर की राशि है वृषभ राशि, तीन नंबर की राशि है मिथुन राशि, चार नंबर की राशि है कर्क राशि, पांच नंबर की राशि है सिंह राशि, छह नंबर की राशि है कन्या राशि, सात नंबर की राशि है तुला राशि, आठ नंबर की राशि है वृश्चिक राशि, नौ नंबर की राशि है धनु राशि, दस नंबर की राशि है मकर राशि, ग्यारह नंबर की राशि है कुंभ राशि एवं 12 नंबर की राशि है मीन राशि। कुंडली में भाव संख्या लिखी नहीं जाती, जैसे कि यह प्रथम भाव है, यह द्वितीय भाव है, यह तृतीय भाव है। इन भावों की संख्या को हम कुंडली में नहीं लिखते, यानी कि हम ऐसा नहीं लिखेंगे किसी भी जन्म कुंडली में कि यह जन्म कुंडली का पहला भाव है, यह दूसरा भाव है, यह तीसरा भाव है, यह लिखा नहीं होता है। भावों की संख्या को केवल याद रखा जाता है। कुंडली में भाव संख्या लिखी नहीं जाती, केवल याद रखी जाती है। जब जन्म कुंडली बनाई जाती है तो उसका आरंभ प्रथम भाव लग्न से ही होता है। प्रथम भाव यानी कि लग्न से ही होता है, परंतु कुंडली में जो अंक भरे जाते हैं, कुंडली में जो भी अंक भरे जाते हैं, यहां पर एक नंबर, दो नंबर, जो भी लिखा हुआ है, अगर लिखे जाते हैं तो वह राशि के अनुसार ही भरे जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर हमको कहना होगा कि यह जन्म कुंडली मेष लग्न की है, तो मेष लग्न यानी कि मेष नंबर, मेष राशि का मतलब होता है एक नंबर, तो यहां पर आपकी कुंडली में एक नंबर लिखा होगा, यानी कि आप मेष लग्न में जन्मे हैं। और अगर यहां एक नंबर लिखा होगा तो इसी हिसाब से हम यहां पर नंबरों को चला देंगे। जैसे यहां एक है तो यहां 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आ जाएगा। अगर यहां पर दो नंबर लिखा हुआ है, आपने जो भी जन्म कुंडली बनाई या सॉफ्टवेयर से निकाली और यहां पर दो नंबर लिखा हुआ है, तो दो नंबर की राशि मतलब वृषभ राशि, तो कहेंगे कि आपकी जो जन्म कुंडली है वह वृषभ लग्न की है। तो दो नंबर से शुरू होगी तो यहां 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 यहां एक आ जाएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में यहां पर तीन नंबर लिखा हुआ है, तीन नंबर का मतलब यानी कि मिथुन राशि, तो आपकी जो जन्म कुंडली है वह मिथुन लग्न की है।
तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 इस प्रकार से ये होगा। एक और उदाहरण हम लेते हैं। मान लीजिए किसी का जन्म मेष लग्न में हुआ है, तो मेष प्रथम राशि होने से प्रथम भाव का एक अंक लिखा और उसके आगे क्रमानुसार दूसरे भाव में 2, चौथे में 4, छठे में 6, आठवें में 8, इस प्रकार से 12वें में 12 हम नंबर को भर देंगे। इस प्रकार कुंडली पूर्ण रूप से ऐसी बन जाएगी जैसी कि मैं आपको अभी इस जगह पर बनाकर दिखाने वाला हूँ। यह देखिए, अगर यह जन्म कुंडली मेष लग्न की होती तो यहाँ पर एक नंबर लिखा होता, क्योंकि मेष राशि के आगे एक नंबर होता है। तो यहाँ 2 नंबर होता, यहाँ 3 नंबर होता, यहाँ 4 नंबर होता, यहाँ 5 नंबर होता, यहाँ 6 नंबर होता, यहाँ 7 नंबर होता, यहाँ 8 नंबर होता, यहाँ 9 नंबर होता, यहाँ 10 नंबर होता, यहाँ 11 नंबर होता एवं यहाँ 12 नंबर होता। और किसी भी जन्म कुंडली में जैसा कि यहाँ मैंने लिखा हुआ है प्रथम भाव, ये केवल आप लोगों को समझाने के लिए लिखा हुआ है। यहाँ प्रथम भाव लिखा नहीं होता, भावों की संख्या लिखी नहीं होती, केवल याद रखी जाती है, लेकिन राशियों की संख्या लिखी रहती है, एक नंबर यानी कि मेष लग्न। चलिए इसको मैं चेंज करके आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग इस चीज को कहीं नोट करके रख लीजिए, या फिलहाल के लिए इस स्क्रीन का आप एक स्क्रीनशॉट निकाल कर भी रख सकते हैं, जिससे आपको आगे इन फ्यूचर समझने में आसानी होगी कि किस खाने को कौन सा भाव कहा जाता है। मान लीजिए कि आपने जो जन्म कुंडली बनाई उसमें यहाँ पर 4 नंबर लिखा हुआ है, 4 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि 4 नंबर का मतलब होता है कर्क राशि। तो जो भी जन्म कुंडली आपने बनाई है जहाँ पर 4 नंबर से वो शुरू हुई है, तो इसका मतलब होगा कि आपकी कर्क राशि यानी कि अपनी कर्क लगन है। अगर यह कुंडली 4 नंबर से चालू हुई है तो कर्क लगन है। तो यहाँ पे उसी प्रकार 5 नंबर लिखा होगा और वह द्वितीय भाव कहलाएगा, यहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ होगा और वो तीसरा भाव कहलाएगा, यहाँ पर 7 नंबर लिखा हुआ होगा वो चौथा भाव कहलाएगा, यहाँ पर 8 नंबर लिखा हुआ होगा और वो पांचवा भाव कहलाएगा, यहाँ 9 नंबर लिखा हुआ होगा वो छठा भाव कहलाएगा, यहाँ पे 10 नंबर लिखा हुआ होगा और वह सातवां भाव कहलाएगा, यहाँ 11 नंबर तो आठवां भाव, 12 नंबर तो नवम भाव, एक नंबर 12 के बाद हम डायरेक्ट 1 से शुरू करते हैं तो एक नंबर यानी कि 10वां भाव, 2 नंबर यानी कि 11वां भाव एवं 3 नंबर यानी कि 12वां भाव। यदि जन्म कर्क लग्न का हो तो कर्क चौथी राशि होने से प्रथम भाव में 4 अंक आएगा और क्रमानुसार दूसरे भाव में 5, तीसरे भाव में 6, पंचम भाव में 8, इस प्रकार हम बढ़ते बढ़ते 12वें भाव में 3 नंबर तक जाकर रुकेंगे, जिस तरह यहां पर मैंने प्रदर्शित किया है। आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं और इसको आप कर्क लग्न की कुंडली कह सकते हैं। चलिए आइए मैं थोड़ा सा इसको चेंज करके दूसरी लग्न में करके दिखाता हूं, जिससे आपको समझने में और आसानी होगी। देखिए, आपने जो भी जन्म कुंडली बनाई या सॉफ्टवेयर के द्वारा निकाली, वह उस जन्म कुंडली में यहाँ पर 8 नंबर लिखा हुआ है। अगर इस घर पर 8 नंबर लिखा हुआ है यानी कि 8 नंबर के आगे वृश्चिक राशि, तो आपकी जन्म कुंडली जो है वह वृश्चिक लग्न की है, क्योंकि आपके लग्न में 8 नंबर लिखा हुआ है। तो आपके दूसरे भाव में 9 नंबर आ जाएगा, तीसरे भाव में 10 नंबर, चौथे भाव में 11 नंबर, पांचवे भाव में 12 नंबर, छठे भाव में 1 नंबर, सप्तम भाव में 2 नंबर, अष्टम भाव में 3 नंबर, नवम भाव में 4 नंबर, दशम भाव में 5 नंबर, 11वें भाव में 6 नंबर, 12वें भाव में 7 नंबर। इस प्रकार जन्म कुंडली को समझा जाता है, यानी कि जो प्रथम भाव होगा वही हमेशा लग्न कहलाता है और जो यहाँ पर नंबर होगा उस राशि उस नंबर के सामने वाली राशि आपकी लग्न कहलाएगी। यानी कि यहाँ 8 नंबर लिखा है तो 8 के सामने वृश्चिक राशि, तो आपकी जो जन्म कुंडली है वह वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली है। इसी तरह कोई भी जन्म कुंडली हो, उस लग्न की राशि का अंक प्रथम भाव में लिखकर एक एक अंक क्रमशः आगे बढ़ाते हुए सभी 12 भावों की पूर्ति की जाती है। चलिए आइए अब हम जानते हैं जन्म कुंडली का महत्व क्या है। आप यह देख ही चुके हैं कि ज्योतिष द्वारा हर व्यक्ति के भूत, भविष्य एवं वर्तमान को जाना जा सकता है, किंतु यहाँ एक सवाल उत्पन्न होता है कि कैसे। किसी भी व्यक्ति के भूत, भविष्य एवं वर्तमान के सभी हालात को जानने के लिए उसकी जन्म कुंडली ही देखनी होती है। व्यक्ति के जीवन की सभी घटनाएं, उसकी जीवन यात्रा का रंग, रूप इत्यादि सब कुछ उसकी जन्म कुंडली में ही होता है। यही इसकी विशेष महत्वता है, यही जन्म कुंडली का महत्व है। जैसा कि हमने देखा कि एक जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं,
एवं 12 राशियां होती हैं, तो इसी प्रकार ये राशियां लिखी जाती हैं। अब हर जन्म कुंडली में अलग अलग ग्रह बैठे हुए होते हैं, जिस प्रकार आपका जन्म, जिस समय आपका जन्म हुआ उस प्रकार जो ग्रह स्थितियां थी वो यहाँ पर लिखी हुई होती है। जन्म कुंडली के 12 भाव में कुछ शब्द आप लोगों को सुनने को मिलेंगे, जिन्हें मैं आपको समझा देता हूँ। केंद्र, केंद्र यानी कि जन्म कुंडली के बीच के चार घर, 1, 2, 3, 4, इसको केंद्र कहते हैं। यानी कि प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव एवं दशम भाव केंद्र स्थान कहलाता है। किसी भी जन्म कुंडली का केंद्र प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव एवं दशम भाव कहलाता है। त्रिकोण, किसी भी जन्म कुंडली का त्रिकोण भाव, जो त्रिकोण स्थान जो होता है उसमें पंचम भाव एवं नवम भाव आते हैं। यदि हमने कहा कि किसी जन्म कुंडली के त्रिकोण को देखिए तो हम पंचम भाव और नवम भाव को देखना चाह रहे हैं। इसी तरह कुंडली में दुख स्थान की भी बात की जाती है, जिसको त्रिक स्थान भी कहा जाता है। तो दुख स्थान होते हैं षष्ठम भाव, अष्टम भाव एवं बारहवां भाव। यदि हमने कहा कि किसी कुंडली में त्रिक स्थान को देखिए तो हम कहना चाह रहे हैं कि षष्ठम भाव को देखिए, अष्टम भाव को देखिए एवं बारहवें भाव को देखिए। एक बार फिर से समझ लेते हैं, केंद्र के स्थान चार होते हैं, प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, दशम भाव। त्रिकोण के स्थान दो होते हैं, पंचम भाव एवं नवम भाव। दुख स्थान तीन होते हैं, षष्ठम भाव, अष्टम भाव एवं बारहवां भाव। दी गई पिक्चर में हम सारी जन्म कुंडलियों को देखते हैं। पहली वाली जन्म कुंडली एक नंबर से शुरू हो रही है, इसलिए ये मेष लग्न की कुंडली है। उसके बाजू वाली जो है वो दो नंबर से शुरू हो रही है, यानी कि वह वृषभ लग्न की है। उसके इधर वाली तीन नंबर से शुरू हो रही है, मतलब कि मिथुन लग्न की है। चार नंबर से शुरू होने वाली कर्क लग्न की है, पाँच नंबर से शुरू होने वाली सिंह लग्न की है एवं छः नंबर से शुरू होने वाली कन्या लग्न की है। इसी प्रकार सात नंबर से शुरू होने वाली जन्म कुंडली तुला लग्न की है, आठ नंबर से शुरू होने वाली वृश्चिक लग्न की है, नौ नंबर से शुरू होने वाली धनु लग्न की है, दस नंबर से शुरू होने वाली मकर लग्न की है, ग्यारह नंबर से शुरू होने वाली कुंभ लग्न की है एवं बारह नंबर से शुरू होने वाली मीन लग्न की है। अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली सॉफ्टवेयर द्वारा बनाना चाहते हैं तो इंटरनेट से किसी भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर गूगल प्ले स्टोर से जाके किसी भी कुंडली बनाने वाली एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपना नाम, जन्म का समय, जन्म स्थान एवं जन्म का दिनांक डालकर अपनी कुंडली बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः आप सबके सम्मुख इसके आगे के विषय को लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।